गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर. इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक वर्क. वर्क आप पढ़ चुके हो. वर्क में क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल यही कर रहे थे. और हमने क्या किया था? वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस. दैट मीन्स एफ इज फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन राइट एज एफ एस कोस थीटा. ये किया था हमने वर्क. और इसी में ही हम एंगल पे डिपेंड कर रहा था थीटा की वैल्यू. और वर्क कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी. एंड यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव व्हेन इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बट डजेंट डिपेंड ऑन द पाथ. कि आपके पास तीन या चार तरीके हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाने के. सपोज करो आपको मूव करना है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट. तो ए से बी पॉइंट पे एक स्टूडेंट है, डायरेक्ट जा रहा है, दूसरा इस पाथ में जा रहा है, थर्ड ने क्या कंसिडर किया? ये पाथ कंसिडर कर लिया. तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? व्हेन इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. दैट मीन्स ए पे वैल्यू क्या है और बी पे वैल्यू क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, देन वी कैन से दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव. सो हम थ्री या फोर पाथ कंसिडर करके चलेंगे. अगर आपका वर्क डन, इफ वर्क डन रिमेन्स सेम, देन वी कैन से दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव. सो डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे. डजंट डिपेंड ऑन पाथ. सो हम थ्री या फोर पाथ कंसिडर करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर आपका वर्क डन सभी केस में सेम आ जाता है, देन वी कैन से दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव. अगर आपका वर्क डन सेम नहीं आता तो कैसा होगा? आपका नॉन कंजर्वेटिव. सो फर्स्ट पाथ मैंने कंसिडर किया, पर्सन या कुछ भी ऑब्जेक्ट है मूविंग फ्रॉम ए टू बी. हाइट क्या है आपके पास? एच है. दिस इज योर फर्स्ट. और सेकेंड हमने कंसिडर कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन से जा रहा. हाइट सब में सेम कंसिडर करके चलोगे. ए बी इज एच कि कुछ इंक्लाइंड प्लेन से मूव किया. That point is C point. So ये क्या है आपका? फिगर B है. अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? इनिशियली तो ये था, देखो वर्टिकल प्लेन. अब यहाँ क्या है आपका? इंक्लाइंड प्लेन कंसिडर कर लिया. मीन्स X में भी वैल्यू लाई करेगी और Y में भी लाई करेगी. तो ऑब्जेक्ट जहाँ मूव कर रहा है फोर्स कहाँ लगाओगे? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है. अपवर्ड जाना है तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. इफ बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड तो फोर्स कहाँ लगाओगे आप? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब जो वेट है, यहाँ वेट कहाँ एक्ट कर रहा था आपका? वेट कैसे निकालते हो? वेट या फोर्स, एम इंटू जी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. एंड इफ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, ए किससे रिप्लेस हो जाएगा आपका? जी से. तो फोर्स यहाँ लग रहा है, वेट कहाँ एक्ट करेगा? अगर देखो एक डायरेक्शन होती सिंगल तो वेट आपका एक्ट करता डाउनवर्ड, दैट इज एम इंटू जी. अब ये प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स में भी वैल्यू है एंड वाई में भी. सो सपोज किया एम इंटू जी, एंगल क्या है यहाँ हमारा? थीटा. तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो लास्ट में बताया था आपको, एम जी कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाता है आपका? एम जी साइन थीटा. ये क्या शो कर रहा है कि वेट आपका एक्स में भी लाई कर रहा है और वाई में भी. क्लियर? प्लेन में हमने डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस में भी वैल्यू देगा और वाई एक्सिस में भी. अब थर्ड था, तीसरा कोई पर्सन है, उसने ये बोला कि हाइट तो यही है आपकी, दैट इज ए बी, कि वो स्टेयर्स से जाएगा. इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ये हमने स्टेयर्स कंसिडर कर ली, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सी. सो ये हाइट क्या है? एच. स्टेयर्स पे कैसे जाते हो? पहले वर्टिकल देन हॉरिजेंटल, वर्टिकल देन हॉरिजेंटल. तो वही स्टेप्स बनाया. वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड द एच एंड दिस इज कॉल्ड एक्स. एच डैश ले लो, यहाँ पे आपने एच कंसिडर किया है. क्लियर? और फोर्थ पॉइंट कंसिडर करोगे आप, फोर्थ जो पाथ है आपने वो कंसिडर कर लिया कि कोई पर्सन जा रहा है आपका जिग जैग पाथ से.
दैट इज ए बी, हाइट इज एच, तो इसमें भी वही रहेगा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये हमने इसका रिजल्टेंट कंसिडर कर लिया, दैट इज डी आर। इसको मान लो डी एक्स, ये क्या है आपके पास डी एच, वर्टिकल हॉरिजेंटल, बट परपेंडिकुलर लेके चल रहे हो, देन किस में जा रहा है हॉरिजेंटल में। तो हमने ये फोर पाथ कंसिडर कर लिए, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो फर्स्ट इन फ्रॉम फिगर ए, फर्स्ट फिगर से आप देखोगे वर्क डन को डब्ल्यू वन लिख सकते हो, तो वर्क डन होता क्या है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो हम वर्क कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी, कि अपवर्ड मूव कर रहे हो, क्लियर। तो फोर्स क्या होगा एम इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी एच, अब इसको ब्रेक करके लिखते हो आप, ये भी लिख सकते हो एफ एस कोस थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, अब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो कोस क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, सो कोस जीरो इज वन, देन इट कम्स आउट टू बी एम जी एच। अब हम सेकेंड में फाइंड करेंगे वर्क डन, तो सेकेंड केस के लिए वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, डब्ल्यू टू से, तो इसमें क्या होगा, जो ये हमारी फिगर है सेकेंड, वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स क्या है आपका, यहाँ देखोगे अगर आप कंपोनेंट को डिवाइड करते हो, एफ फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, सो एफ किसके इक्वल आ जाएगा एम जी साइन थीटा, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपके पास, सी से कहाँ गया बी पॉइंट पे, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं सी बी, क्लियर। अब सेम डायरेक्शन में फोर्स है, सेम में ही क्या हो रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेम में ही फोर्स, तो आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कोस जीरो, अदरवाइज आप डायरेक्ट करोगे तो भी, अब कोस जीरो इट कम्स आउट टू बी वन एम जी, अब इस ट्राइंगल से फ्रॉम ए बी सी साइन थीटा फाइंड कर सकते हो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए बी अपॉन में सी बी इंटू में सी बी, सी बी से सी बी कैंसिल आउट, अब ए बी की वैल्यू चेक करो क्या है यहाँ पे एच, तो इट कम्स आउट टू बी एम जी एच, अब दो में आपने देखा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इक्वल आ गए, अब फाइंड करोगे आप डब्ल्यू थ्री के लिए, वर्क डन इन फिगर थ्री, यहाँ क्या होगा आपका, अब देखो यहाँ पे दो स्टेप हैं, एक बार वर्टिकल देन हॉरिजेंटल, तो फाइंड करोगे अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है अपवर्ड, जाना कहाँ है बी पॉइंट पे ही जाना आपको, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वही लगाओगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हुई फर्स्ट एच डैश, सेम है डायरेक्शन, सो थीटा क्या हो गया कोस जीरो प्लस, अब फिर कहाँ गया हॉरिजेंटल में, तो एम जी डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, अब देखोगे आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, फोर्स कहाँ लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में 90, सो यहाँ पे राइट करोगे आप कोस 90। अब देखो ये तो हमने लिया सिर्फ एक स्टेप का, ऐसे ही एन नंबर ऑफ स्टेप्स हमने कंसिडर कर लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सपोज करो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हैं एन, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे एन से, नाउ यू नो दैट कोस 90 इज जीरो, कोस जीरो इज वन, तो ये टोटल टर्म क्या हो गई आपके पास जीरो, सो एन इंटू एम जी एच डैश कोस जीरो इज वन, नाउ एम जी एन इंटू एच डैश, एच डैश क्या है सिंगल हाइट लेके चल रहे हो, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, मल्टीप्लाई करोगे टोटल हाइट कितनी है आपके पास एच, यही तो देगा ना, तो ये क्या आ जाएगा एम जी एच, तो तीन के केस में आप देख रहे हो तीनों में वर्क डन क्या आ गया आपके पास सेम आ गया, अब लास्ट बचता है डी पॉइंट, अब इसमें आप वर्क डन फाइंड करोगे तो डब्ल्यू फोर वर्क डन क्या आएगा, इसमें भी हमने क्या किया देखो स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर लिया, टोटल हाइट थी हमारी एच, स्मॉल पार्ट के लिए निकाल लो, जिगजैग में भी यही रहेगा, एक बार वर्टिकल और देन हॉरिजेंटल, तो हमने ये स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लिया, तो ये क्या आएगा आपके पास देखो समीशन में ले लो, टोटल के लिए क्या करते हो समीशन या इंटीग्रेशन, समीशन का मीनिंग क्या होता है कि आप सभी पार्ट्स को क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, सो एम जी क्या लिया आपने डी एच, इसमें क्या होगा वही सेम डायरेक्शन में है तो कोस जीरो प्लस एम जी डी एक्स, ये क्या दे देगा आपको कोस 90, एज यू नो कोस 90 इज जीरो, कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो अब क्या आएगा
एम जी, कोस जीरो इज वन. सो समीशन ऑफ डी एच टोटल क्या देगा, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव, जितनी भी टर्म्स हैं टोटल हाइट क्या आ जाएगी आपके पास, एच. सो क्या आ जाएगा, एम जी एच. दिस इज योर फोर्थ वर्क डन. अब सभी केसेस में आप देखोगे कि वर्क डन आपका जो आ रहा है सेम आ रहा है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री एंड डब्ल्यू फोर. यहाँ से आप राइट कर सकते हो डब्ल्यू वन इक्वल्स टू डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री एंड डब्ल्यू फोर. तो ये क्या शो कर रहा है, फोर्स कैसा होगा आपका, कंजर्वेटिव. अभी क्या था हमने, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कैसे गया वो. तो वर्क डन सभी में क्या आ गया, सेम आ गया, देन वी कैन से दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव. तो नेक्स्ट आप करोगे नॉन कंजर्वेटिव. नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा. दैट मीन्स इट डजेंट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बट डिपेंड्स ऑन द पाथ, देन वी कैन से दैट फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. सो नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या करोगे आप, कि आपने कोई भी तीन पाथ कंसिडर किए, फर्स्ट ए से बी पे जाना है किसी भी पर्सन को, सेकंड वो जा रहा है इस तरीके से ए टू बी, फर्स्ट पाथ सेकंड पाथ और थर्ड वाला कोई इस पॉइंट से गया थर्ड पाथ. अब अगर हम फाइंड करते हैं तीनों में वर्क डन, वर्क डन इसके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, जस्ट ये करोगे W1 वन इज नॉट इक्वल्स टू W2 टू नॉट इक्वल्स टू W3, थ्री, देन वी कैन से दैट फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. या आप निकाल सकते हो साइक्लिक ऑर्डर में निकालना हो, A से फर्स्ट B पे गया, देन B से वापस कहाँ आ रहा है, A पे. अब नॉर्मली आप करते हो साइकिल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती थी आपकी, जीरो जो कंसिडर करके चलते थे. बट इसमें अगर वर्क डन तीनों के केस में आपका सेम नहीं आ रहा तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. या हमने किया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तब भी हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. तो ये तो बात हुई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पावर का. अब पावर क्या होता है आपका, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. रेट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को आप टाइम से डिवाइड करो, दैट इज कॉल्ड द रेट. पावर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, पी से. रेट ऑफ डी डब्ल्यू, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू, डिवाइड बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड पावर. अब आप वर्क डन कर चुके हो, वर्क क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो ये क्या आ जाएगा, आप राइट कर सकते हो W के प्लेस पे d बाई डी टी एफ डॉट एस. सो फोर्स क्या है, आउटसाइड ले सकते हो डी एस बाई डी टी, कि कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो दैट मीन्स अगर कॉन्स्टेंट है तो हम डिफ्रेंशिएशन से क्या ले सकते हैं, आउटसाइड. ये टर्म किसको शो करती है, डी बाई डी टी इज कॉल्ड द डिफ्रेंशिएशन, मीन्स इसकी वैल्यू टाइम के साथ आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेट. सो डी एस बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप कर चुके हो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो एफ डॉट वी, सो पावर यहाँ से क्या आ गया, एफ डॉट V. क्लियर. अब इसकी बात आती है यूनिट की, पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वाट. अब सिंपली आपको कह दिया जाए कि वन वाट को डिफाइन करो, तो वन वाट किसके इक्वल होगा, वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल, वन जूल अपॉन में टाइम क्या होता है, सेकेंड. देन पावर इज सेट टू बी वन वाट इफ वन जूल वर्क इज डन, कितने टाइम में, इन वन सेकेंड. तो पावर को क्या कह सकते हो आप, वन वाट. जनरली इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप, वाट. एक दूसरी यूनिट होती है हॉर्स पावर. वन हॉर्स पावर और वाट में क्या रिलेशन है, 746 वाट. ये जस्ट आपको रिलेशन याद करना है फॉर द न्यूमेरिकल्स. अगर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन होती है आपको कन्वर्ट करना है वाट में, देन वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू द 746 वाट. सो नेक्स्ट हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी.
एनर्जी आपने दो टाइप की है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, आपकी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। उससे पहले आता है कि एनर्जी क्या होता है। अभी तो किया हमने पावर, देन एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब सिंपल सी बात है, जितना आप इनटेक करोगे बॉडी के अंदर, उतना ही आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। सपोज करो आपने दो दिन तक खाना नहीं खाया, तो अंदर एनर्जी नहीं है, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। किस पे डिपेंड करती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला आप पहले भी कर चुके हो, क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एज यू नो हाफ इज कॉन्स्टेंट, एम इज कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो अब इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो सपोज किया यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो सपोज करो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। वो डिस्प्लेसमेंट हमने कंसिडर कर ली, क्या है, एस है। फोर्स लगा दिया हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एफ। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी और वर्क डन दोनों क्या है, सेम। हमें निकालना है, कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वर्क निकालना है आपको, वर्क के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है एस, बट फोर्स नहीं है। अब लीनियर डायरेक्शन में इफ़ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, तब आप लेके चलते हो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। अब बॉडी कहाँ जा रही है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या कंसिडर करोगे आप, एम इंटू ए। तो यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही फोर्स लगाया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी। अब देखो जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया था, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में लगा लो कि हॉरिजेंटल जा रहा है, जैसे ही आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में क्या आ गई, मूवमेंट आ गई, तभी क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया, ए पॉइंट से कहाँ चला गया, बी पॉइंट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी आप कंसिडर कर सकते हो क्या है, जीरो। वी इज द फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है आपके पास, इनिशियल। V इज़ द फाइनल, S क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या चाहिए, फोर्स, मास कॉन्स्टेंट है, अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो फोर्स आ जाएगा। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर चुके हो तीन, अब V है, U है, हमारे पास S है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यही क्वांटिटी यूज़ हो रही है, A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब V क्या है, एज इट इज़ रहेगा, U की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, 2a इंटू में s। तो v स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास, सॉरी a की वैल्यू चाहिए हमें, तो a क्या आ जाएगा, v स्क्वेयर बाई 2s, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। यहाँ से हम फोर्स फाइंड कर लेंगे, m इंटू a, दैट इज़ योर फोर्स। तो वर्क क्या आ जाएगा आपके पास, m इंटू v स्क्वेयर बाई में 2s। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, s, तो s से s कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर, दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको रिवाइज करेंगे एंड नोटबुक में राइट करोगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप सिंपल कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।